साथियों, मैं ऐसी अनेक गारंटियां गिना सकता हूं जो देशवासियों के आशीर्वाद से पूरी हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देश की आधे से अधिक आबादी को दशकों तक छोटी छोटी जरूरतों से दूर रखना का है, तरसाने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ एक परिवार के हित को देश और देशवासियों के हित से ऊपर रखने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड इतिहास के सबसे बड़े घोटालों का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सेना और सैनिक दोनों को कमजोर करने का है। ये बातें याद रखनी जरूरी है, क्योंकि आज भी कांग्रेस की टीम वही है, नेता वही है, नियत वही है, और उन सब की निष्ठा एक ही परिवार के लिए है। तो नीति भी तो वही होगी जिसमें लूट है, भ्रष्टाचार है, बर्बादी है। साथियों, कांग्रेस सोचती है कि सत्ता में रहना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए गरीब का ये बेटा जब से पीएम बना है, ये एक के बाद एक मेरे खिलाफ साजिशें करते जा रहे हैं। लेकिन ईश्वर रूपी जनता जनार्दन का आशीर्वाद मेरे साथ है। कांग्रेस की हर साजिश के सामने जनता जनार्दन ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। जितना ज्यादा कांग्रेस साजिशें करती है, उतना ही ज्यादा जनता मुझे मजबूत करती है, अपना आशीर्वाद देती है। इस बार भी कांग्रेस ने मेरे खिलाफ सारे मोर्चे खोल दिए हैं, लेकिन मेरे देश की जनता का सुरक्षा कवच, और जब जनता का सुरक्षा कवच होता है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद होते हैं, माताएं बहनें ढाल बनकर के खड़ी होती हैं, तो संकटों से पार भी निकलते हैं और देश को आगे भी बढ़ाते हैं। और इसलिए आप सबके आशीर्वाद से हिंदुस्तान के कोने कोने में जो मैं अनुभव कर रहा हूं, इसलिए लोग कह रहे हैं एनडीए सरकार 400 पार, एनडीए सरकार। साथियों, एक परिवार के मोह में फंसी कांग्रेस, हरियाणा भी वही हाल है, आज अपने इतिहास के सबसे दयनीय दौर से गुजर रही है। इनके नेता से अपना एक स्टार्टअप नहीं संभल रहा, ये लोग देश संभालने का सपना देख रहे हैं। आज कांग्रेस की हालत देखिए, कांग्रेस के पुराने नेता एक एक करके इनको छोड़कर जा रहे हैं, जिन्होंने कभी इनके साथ आने का इरादा किया था
वो भी इनसे भाग रहे हैं। आज स्थिति ये है कि कांग्रेस के पास अपने कार्यकर्ता तक नहीं बचे हैं। जहां कांग्रेस सरकार में है वहां इनसे अपनी सरकारें भी नहीं संभल रही है। आज हिमाचल में लोगों को वेतन और पेंशन देने तक में मुश्किलें आ रही है। कर्नाटका में विकास की योजनाओं पर भी कांग्रेस सरकार काम नहीं कर पा रही है। भाइयों और बहनों, एक तरफ कांग्रेस का कुशासन है और दूसरी तरफ बीजेपी का सुशासन। यहां 10 वर्षों से डबल इंजन सरकार है, इसलिए गरीब कल्याण की जो भी योजनाएं मोदी ने बनाई है उनके 100% अमल में हरियाणा अव्वल है। हरियाणा खेती के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है और यहां उद्योगों का दायरा भी निरंतर बढ़ रहा है। जिस दक्षिण हरियाणा को विकास में पीछे रखा गया, आज वो कहीं तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में रोड हो, रेल हो, मेट्रो हो, उनसे जुड़ी जो बड़ी परियोजनाएं हैं वो इसी हिस्से से गुजर रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के, दिल्ली दौसा लालसोट के पहले चरण का उद्घाटन हो गया है। देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हरियाणा के गुरुग्राम, पलवल और नूह जिलों से होकर गुजर रहा है।